गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज असी स्टोरी रीड करांगे बस कंडक्टर। ठीक है, बस कंडक्टर स्टोरी किदी लिखी हुई है? दिलीप कौर टिवाणा दी। स्टोरी किदी लिखी हुई है? दिलीप कौर टिवाणा दी। इस स्टोरी दे विच, इस कहानी दे विच लेखक ने बस कंडक्टर जिसका नाम जीत हुंदा है, ते दूसरी पात्र है पाली, जो कि एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है पाली, ते एक बस कंडक्टर, उदे इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ये बेटा एक कहानी एक सच्चे ते पवित्र प्यार का प्रगटावा करती है। बस कंडक्टर जी स्टोरी एक सच्चे ते पवित्र प्यार, भाव की भैन भरा दे प्यार का प्रगटावा करती है। एक कहानी बेटा एक मनोविज्ञानिक कहानी है, मनोविज्ञानिक स्टोरी है, ते एक सच्चे ते सच्चे प्यार दा प्रगटावा करदी, भाव की भैन भरा दे प्यार दा प्रगटावा करदी। इस कहानी दे विच केड़े केड़े करैक्टर है? एक बस कंडक्टर है। करैक्टर सुनो बेटा, फिर स्टोरी समझनी इजी होगी। बस कंडक्टर है जिसका नाम जीत है। बस कंडक्टर जिसका नाम की है जीत, ते वो बस का कंडक्टर है। उदी तनख्वाह 60 रुपये है। बेटा इस स्टोरी दे विच, इस कहानी दे विच बस कंडक्टर जीत दी एक भैन सी मतलब, ठीक है, मर चुकी है। एक भैन सी जिसका नाम अमरजीत, ठीक है, जिसका नाम की सी अमरजीत। वो लाहौर दे विच डॉक्टरी दी पढ़ाई करती सी, ठीक है, लाहौर दे विच ही करदी सी डॉक्टरी दी पढ़ाई करदी सी। ते 1947 दे विच, ठीक है, जदों दंगे होए, वंड हुई, तां उन्हां दंगियां दे विच बस कंडक्टर दी जो भैण है वो जिहड़ी की है मर जांदी है। ते जीत ते उसका परिवार कितने आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं, भारत के विच। बड़ी मुश्किल नाल वो अपने घर का गुजारा करता है, ते बड़ी मुश्किल नाल उन्हें कंडक्टर की नौकरी मिलती है। नेक्स्ट है पात्र इस कहानी के विच, सेकंड पात्र। ये क्लियर बेटा? बस कंडक्टर जीत बारे क्लियर है, उसकी भैन है जो मर चुकी है। सेकंड पात्र है इस कहानी के विच पाली, जो कि डॉक्टर नहीं है। पाली की है एक डॉक्टर नहीं है। पाली दी बेटा जेड़ी बदली है, ट्रांसफर है, उन नाभे तो पटियाले हो जाती है। पाली जो बस कंडक्टर है वो जेड़ी बदली है नाभे तो पटियाले हो जाती है। ठीक है, वो पटियाले मकान लेके रहना नहीं चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बदली रुक जाए। वो कहती कि मेरी बदली रुक जाए, इसलिए वो डेली बेटा जी पॉली है डेली बस दे राही, ठीक है, नाभे तो पटियाले आती है। ठीक है, केड़ी बस विच बैठती है? जिस बस का कंडक्टर कौन है? जीत है। जीत जो इस कहानी का जो मेन पात्र है, बड़ा एक चंगा ते नेक इंसान है। जदों भी पाली डॉक्टर ने उसकी बस में जाके बैठती है, उसका बड़ा ख्याल रखता है। उन्हें पता है जीत नूं कि सवारियां नूं किन्ने धक्के पैंदे हन, इसलिए बेटा
ਉਹ ਪਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਲੀ ਬੱਸ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਵੱਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਲਈ ਸੀਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੈਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ 10.5 ਆਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10.5 ਆਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10, 10.5 ਆਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੀਟੀ ਨੇ, ਚੈਕਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀਤ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੈਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਤ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਕੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6th ਕਲਾਸ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, 9 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹ ਚੈੱਕਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪਾਲੀ ਜੀਤ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕਰ ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਜੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਕੋਲੋਂ, ਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਾਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਲੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੀਤ ਬੇਟਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਰੀਡ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੋਰੀ? ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯੈਸ। ਹੁਣ ਰੀਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਪਰਨ ਦਿਵਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੀਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਟੋਰੀ, ਓਕੇ। ਯੈਸ ਅਪਰਨ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ।
हाँ जी लेडी डॉक्टर पाली दी बदली नाभे तो पटियाले दी हो गई। घर वाले कोशिश कर रहे सन कि बदली रुकवा ली जावे, जिस करके ओ पटियाले मकान लैके रहन दी थां वड्डे डॉक्टर तो इजाजत लैके हर रोज बस ते सवेरे नाभे तो चली जांदी है ते आथन नूं परत आउंदी है। बसां दी खड़खड़, गर्मी, पसीना, पीड़ ते कंडक्टर दियां बेहुदा हरकतां असब असभा बोलां तो ओदा डांडा जिहा काला पैंदा। पर कुछ दिनां दी इह गल ही है, सोच ओ सभो कुछ कर जर लैंदी। जिस दिन जीत दी उस बस ते ड्यूटी हुंदी ओ थोड़ी सौखी रहिंदी, क्योंकि उस बस दा कंडक्टर बड़ा साउ दिसदा सी। हाँ वेट बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अंडरलाइन करो, लेडी डॉक्टर का की नाम है फर्स्ट क्वेश्चन, पाली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पाली दी बदली कित्थों हुंदी है, नाभे तो पटियाले, भाव की पहला और नाभे रहती है, उहदी बदली कित्थे हुंदी है, पटियाले, ये पहला और रहती कित्थे है, पटियाले, ते बदली कित्थे हुंदी है, पटियाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली नाभे तो पटियाले, ठीक है, किस तरह जाती सी, बस राही, ठीक है, किस तरह जाती सी, बस राही जाती सी, ते किस समय वापस आती सी, वापस किस समय आती सी, आथन समय, आथन या शाम दे समय, ठीक है, वापस कदों आती सी, आथन या शाम दे समय। ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड पैरे दे विच, पाली नूं केड़ी गल परेशान करती सी, बसा की खड़कड़, सैकेंड लोंग क्वेश्चन है बेटा, टू मार्क्स का, गर्मी, पसीना, भीड़, कंडक्टर बेहूदियाँ हरकत, ठीक है, ये जड़िया सारिया गल् सन पाली नू बहुत ज्यादा परेशान कर दया सन, इसलिए जी पाली सी अपनी बदली रुकवाना चाहती सी। नैक्सट क्वेश्चन है, बस कंडक्टर का सुभा किहो जिहा सी, सुभा किहो जिहा सी, साउ नाल क्वेश्चन अंडरलाइन कर जाना, ठीक है। हाँ जी बेटा फौरन नेक्स्ट पेरा, यस फौरन नेक्स्ट पेरा, यस मैम। ए बैग वाली कुड़ी कासे विच नौकर है, एक दिन रोजाना सफर करन वाले एक मुसाफर पाई ने जीत नू पुछया, आहो जी डॉक्टरनी है, वड्डी डॉक्टरनी, आंदे ने पूरा 300 रुपए तनखा लेंदी है। जीत ने टिकट फड़ाउंदिया हौली जिही दस्या, जी अजकल ता कुड़ियां भी आमदनिया तो वध कमाउंदिया ने, तदे तदे ता आदमिया दा रोब नहीं रहा। नाल ही सीट ते बैठे अधखड़ जिहे बंदे ने आख्या, जी पावे किन्ना ही कमाऊं, कराणियां दिया कानू आदमिया सामने अखां चुरक दिया है ने, ते आ कुड़ी डॉक्टरनी मैं कई वारी पटियाले जांदिया रहना वा देखी है, सॉरी दे जानी मुंह विच बोलनी। पाली वाल तकदिया सीट ते बैठ एक सरदार ने आख्या, एक सेकंड बेटा, आ रब साड वेट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली दी तनखा किन्नी सी, 300 रुपए, ठीक है, तनखा किन्नी सी, 300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधकड़ जे उमर, अधकड़ उमर दे आदमी ने की कहा, अधकड़ उमर दे आदमी ने की कहा, की कहा सी, कि कुड़ियां आदमियां तो वध कमांदियां ने, ताही दा आदमियां दा रोब नहीं है। जिस तरह भी आ सकता है बेटा क्वेश्चन, आदमियां दा रोब नहीं रिया, ये गल किसने कही, बस विच बैठे हुए एक अधकड़ उम्र दे आदमी ने कहा, ठीक है। यस बेटा अपरन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लाइन बेटा, यस अपरन, यस मैम। आ रब साठी भी किसे फिकरा विचे ही रह गए, जदो टिकट फड़ाउंदिया गुलाबी जिहे कुर्ते वाले तेले दे शौकीन वल जीत ने कूर के तकिया ते आख्या, क्यों बई ओ जानदी है सलाह ला दिया हुने ही पुजे। मैं ता कंडक्टर साहिब कुछ नहीं आख्या, एवे कानू गरम हुंदे हो। पाली नू जदों जीत ने टिकट फड़ाया ता ओ अगो 10 दा नोट कढ के फड़ाउन लगी, पान ता है नी मेरे को, चलो पैसे कल दे देना, आखो अगा लंग गया। वेट बेटा अगो एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
जीत ने उस आदमी वाल घूर के क्यों देखा सी? क्योंकि वो औरतों के बारे लड़कियों के बारे गलत कह रहा सी, ठीक है, इसलिए उसने घूर के देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ने जीत नू किन्ने रुपए का नोट फड़ाया? पाली ने जीत नू किन्ने रुपए का नोट फड़ाया सी? 10 रुपए का। ठीक है, यस। देन दिव्या पढ़ो बेटा, दिव्या नेक्स्ट पेज। हाँ जी दिव्या बेटा, यस मैम। हाँ जी बेटा, अगो एक बुड्ढी ने भी होर 10 नोट की कटिया। माई टुटे पैसे नहीं मेरे को, साढ़े 10 आने सारे पाड़े दे हुंदे ने, ते एडा सारा नोट कट के फड़ाउंदे हो, चंगा जा पैसे बना लिया उतर के। जीत ने जरा सख्त आवाज नाल आख्या, वे पुत्ता इन्ने नू बस ना तुर जावे, मैं ता जरूरी जाना है, तू बाकी पैसे मेनू पटियाला जाके दे दवी। बुढ़ी ने तरले नाल आख्या, अच्छा माई बैठ जा, आप ओ टिकट कटन लग पिया। पाली अपने हस्पताल मरीजा दवाइया नर्सा ड्यूटियां बारे सोच रही थी। बस रखड़ा कल्याण तो कल्याण ते रोली पिछे छड़दी हुई चंगी कोल पहुंच गई। वेट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करो। बस विच बैठी माई ने किन्ने रुपए फड़ाए सी? उन्हें भी 10 रुपए। ठीक है, किन्ने रुपए फड़ाए सी माई ने भी? बस विच बैठी औरत ने 10 रुपए। नेक्स्ट है भाड़ा, मतलब किराया, नेक्स्ट वर्ड आया ना, 10.5 आने भाड़े, भाड़े मतलब किराया। ठीक है, बस का किराया किन्ना सी? 10.5 आने किन्ना किराया सी? 10.5 आने। हाँ जी नेक्स्ट पढ़ो बेटा। हाँ जी दिव्या, यार अज इधर दी चली नीला पवन कन्नी दी। जीत ने ड्राइवर नो आख्या, गुरुद्वारे वाल जान वाली सवारियां जरा बुड़बड़ाइया, पर हुन तक ता बस मुड़ के सीधी सड़क भी पै चुकी सी। स्कूल सिनेमा कोल कंडक्टर ने घंटी करके बस रोक ली, ते बारी खोल दिया पाली नो आखन लगा, तुसी एथे उतर जाओ, हस्पताल नेड़े रहूगा। पाली कहाली नाल उतर गई, ओह ओदा धन्नवाद करना भी भुल गई, बेचारा बड़ा चंगा कंडक्टर है। ओनू एक बारी ख्याल आया, वेट बेटा, अज शाम नू वापस जान लग्या। दिव्या नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करो। ठीक है, अजीत ने बस किसको रोकी सी? या ए भी क्वेश्चन आ सकता है नाल दे, हस्पताल, हस्पताल किसदे नजदीक सी? किसदे नजदीक सी? नीला भवन दे, नीला भवन दे। ठीक है, एक्स्ट्रा भी आ सकता है, या पाली अजीत ने सब तो पहला बस कितने रोकी? नीला भवन, या हस्पताल किसके नजदीक सी? नीला भवन दे। ठीक है, हाँ जी। ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारे जाने वालियां सवारियां क्यों गुस्से नाल बोलियां? क्यों बोलियां सी? क्योंकि उसने बस पहला कितने रोकी सी? नीला भवन, जबकि रास्ता पहला गुरुद्वारे वाल आंदा सी, ते उन्हें बस घुमा के किस वाल रोक दी? नीला भवन, क्योंकि वह चाहता सी कि जिहड़ी पाली है, पाली का जो हॉस्पिटल है, हस्पताल, उसके नजदीक ही पैंदा है, तो पाली में कोई मुश्किल ना आए, इसलिए उन्हें बस जिहड़ी कि सी नीला भवन दे कोल रोकी सी। यस बेटा दिव्या, आज शाम नू वापस जान लग्या, जदो ओ स्टेशन ते पहुंची तब बस पर चुकी सी। बड़ी औखी हो के पौना घंटा दूसरी बस का इंतजार कीता। किसे बस का एक ड्राइवर कमीज ते गलमे दे बटन कोल आवारा फिल्म दा गाना गुनगुनाउंदे दो तीन बारी पाली दे अगो दी लंघिया। पता नहीं क्यों लोकी इस वल अखां पाड़ पाड़ तकदे सन। अगले दिन फिर चांस चानस अजेहा होया कि जदों ओह नाभे अड्डे ते पहुंची तां बस फड़ चुकी सी, ते बिना टिकटों वादू सवारियां नू जीत फड़ फड़ उतार रहा सी। ओह एक पल पाली कोल आया ते आखन लगा, तुसी अगली सीट ते चोला चुक के बैठ जावो, तुहाडी खातर सीट रखी है। एक सेकंड बेटा, कई कु
वेट बेटा दिव्या, ठीक है नेक्स्ट अंडरलाइन करो बेटा। पाली नू किन्ना घंटा बस का इंतजार करना पिया सी, या पाली नू वापस जाने दे लई, पाली नू शाम समय वापस जाने दे लई किन्ना घंटा बस की उड़ीक करनी पई, पूना घंटा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत सवारियां नू क्यों नीचे उतारिया सी, ठीक है जी केड़ियां सवारियां नीचे उतारिया सी बिना टिकट तो, बिना टिकट तो सवारियां नू नीचे उतारिया सी जीत, केड़ियां सवारियां नू बस तो थले उतारिया सी बिना टिकट तो सवारियां नू नीचे उतार रहा सी। यस बेटा, हां जी दिव्या बेटा। कई कूर दियां नजरां कोलो लंघ पाली सीट ते जा बैठी ते जीत ने झट बस नू चलन दी घंटी मार दित्ती। ए तां विचारा बड़ा चंगा कंडक्टर है, पाली नू दिल विच एक वारी फिर ख्याल क्यों ने कहा सी चंगा कंडक्टर है क्योंकि बेटा जीत ने ओदे लई पहले ही सीट रखी हुई सी, उहने कहा ना कि इत्थे उत्ते थैला चको, थैला चक के तुसी उत्थे बैठ जाओ, इसलिए ओ जिहड़ा पाली नू चंगा लग रहा सी। धैर्य ना पड़ो बेटा, नेक्स्ट बेटा। यस धैर्य बेटा। यस मैम। हाँ जी। बदली मोड़ नाभे री कराउन कराउन विच ज्यों ज्यों देर हो रही सी पाली दुखी हुंदी, बसां दी खड़खड़ बस निकल जाण दा डर हर वेले दिमाग ते चढ़े रहिंदा। कई बार जदों कदे मोटियां सवारियां नाल बैठना पैंदा उहदे वधिया कपड़े वट वट हो जांदे तां किसे कोलों आउंदी पसीने दी बू आउंदी उहदा सिर चकराउण ला दिंदी। फिर एक दिन जदों पाली पैसे देण लगी तां नहीं बीबी रहण दिओ आख आख जीत अग्गों लंघ गया। नहीं भाई पैसे लै ले, पाली ने जोर लाया, की फर्क पै चलिया है, आख ओ आख ओ होर अगा जाके किसे नू टिकट देन लग पिया। झगड़ा करन करना पाली नू चंगा नहीं लग्या ते ओ चुप करके बैठ गई। सारे राह ओ हैरान हुंदी रही कि कंडक्टर ने ओदे कोलो पैसे क्यों ना ले, ओनू ए चंगा भी ना लग्या। 300 रुपए कमाउन वाली डॉक्टर कुड़ी लई 10.5 आने भला की मायने रखते थे। अगले दिन वो जान के 5 मिनट देर लगना गई, उसने सोचा आज पिपल बस ते नहीं सगो पेप्सू रोडवेज से जावेगी, पेप्सू रोडवेज से जावेगी, की फजूल गल है कि सवारी दे पैसे ना ले जान। पर वो देख है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करो, पाली किन्ने मिनट जेडी की सी बस अड्डे ते लेट गई सी 5 मिनट, ठीक है किन्ने मिनट लेट गई सी 5 मिनट, क्यों गई सी लेट, क्योंकि बेटा उन्हें गुस्सा चढ़िया सी कि पहले दिन उन्हें जदों जीत ने पैसे नहीं ले, वो सोच रही सी कि नहीं मेरे को पैसे क्यों नहीं ले, उन्हें गलत सो रही सी कि शायद इरादा गलत होना है, ठीक है भी तां ने मेरे को पैसे नहीं ले सके, कहिंदी सी मैं ऐसे दी बस ते बैठना ही नहीं है, केड़ी बस ते उन्हें कैसे बैठा गी, अज मैं पेप्सू रोडवेज ते जावांगी, ठीक है इसलिए उन्हें 5 मिनट पहला देरी नाल गई। यस धैर्य नेक्स्ट पढ़ो बेटा। यस मैम। पर वो देख हैरान हुई कि ड्राइवर बस स्टार्ट करी खड़ा सी ते कंडक्टर नू वाजा मार रहा सी, ओए आउंदा हुण क्यों पैरमी वड्डी है, एड्डी छेती जान मी आउंदा है, जीत ने होली होली आउंदा आख्या। अग्गे पहुंचण है कि नहीं, मड़का नाल ही आउंदे हैं, ड्राइवर बोलिया चलो बीबी बैठो अगली सीट ते, ताकि खलोदियां जीत ने आख्या। मेम साहिब तो बिना बस किवें तुर पैंदी, पिछियों नाभे तो पटियाला हुण रोज हर रोज जाण वाला एक कल क्लर्क खोली जे बोले। हां वेट बेटा, उन्हें क्यों बेटा क्यों होली होली चल रहा सी, क्यों कंडक्टर जेड़ा की इशारा नहीं दे रहा सी, क्योंकि उन्हें पता सी कि हले तक जेड़ी की बस दे विच कौन बैठन नहीं आया, पाली बैठन नहीं आई, वो पाली दी उड़ीक कर रहा सी कि पाली आवे ते ताई जेड़ा की बस चलावे, ते क्लर्क ने अगू की किया, क्लर्क जिहड़ा डेली उहदी बस च बैठदा सी कि मेम साहब आणगे तां बस चलेगी, भाव कि मेम साहब कौन सी पाली, ठीक है किहदी उड़ीक कर रहा सी, पाली दी उड़ीक कर रहा सी। हाँ जी बेटा। जीत ने कूर के ओहदे वल वेख्या, सब चुप कर गए, बस तुर पई, पाली ने पैसे कढे पर ओहदे वार वार आखण ते जीत ने ना कर दित्ती। पाली ने डाढा गुस्सा आया, इस बेमानी विच ए मैनू भी हिस्सेदार बना रहा है,
ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਖੜੀ ਕਰ ਇੱਕ ਚੈਕਰ ਚੜ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਡੇਲੀਓ ਤੇਲੀਓ ਤੇਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟੂ ਮਾਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਤੇਲੀਓ ਤੇਲੀ ਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਚੈੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੌਣ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਰਦਾ ਉਸ ਦਾਸ ਜੀਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਹਲਿਆ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਰੁਲਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਪਾਲੀ ਡਾਡੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਖੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਅਮਰਜੀਤ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਵਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਜੀਤ ਉਹ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਓਕੇ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬੇਬੇ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਉਹਦੇ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਟੂ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਿਸਵੀਂ ਕਲਾ ਟੋਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਸਵੀਂ ਕਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਵੀਂ ਭਰੋ ਆਏਗਾ ਵਿਸਵੀਂ ਚੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਸਵੀਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ 2:00 ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ